हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एमसीओ 6 से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं, जो कि है कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं मार्केटिंग रिसर्च में, और उसको हम एक हाइपोथेटिकल मार्केटिंग रिसर्च प्रोडक्ट के तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें बता दूं कि एग्जाम में ज्यादा समय बचा नहीं है, एग्जाम्स के डेट बहुत ही जल्दी नियर आ जाएंगे, ऑलरेडी काफी सारे टाइम निकल चुका है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आप नोट्स परचेस करना चाहते हैं, तो फटाफट आप हमें कॉल कर लीजिए 8101065300 नंबर पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं रिगार्डिंग द नोट्स इफ यू वांट। एंड अभी के टाइम पे 20% ऑफ दिया जा रहा है। बीच में हालांकि हम लोगों ने ये ऑफ का प्रोसीजर बंद कर दिया था, बट ड्यू टू हाई डिमांड मुझे वापस से इसको स्टार्ट करना पड़ा, बिकॉज देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव गिवन लाइक 1500 एट फर्स्ट, बट देन जो है मैंने 1200 रुपीज जिसकी प्राइस में 20% मैंने घटा दी थी। तो उसके बाद से स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि मैं उसी प्राइस को मेंटेन करूं, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि अनटिल द एग्जामिनेशन हैपेंस हमारा जो प्राइस है वो 1200 ही रहेगा। ठीक है, सेम चीजें अप्लाई होंगी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी और जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। सो फटाफट करो, टाइम ज्यादा बचा नहीं है, फटाफट नोट्स परचेस कर लो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा कर लेते हैं बिना समय बर्बाद किए। सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसको दबा दो, ताकि किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो मार्केटिंग रिसर्च इज कैरिड आउट टू कलेक्ट रिकॉर्ड द डेटा फॉर अंडरस्टैंडिंग द मार्केटिंग सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स। सक्सेस ऑफ द मार्केट रिसर्च लार्जली डिपेंड्स ऑन हाउ वेल इट इज प्लान्ड एंड कैरिड आउट। इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स which require systematic and planned investigation of marketing problem will consist of the following steps। तो यहाँ पे जो बात बोली गई ये है कि मार्केटिंग रिसर्च जो होता है उसको कैरिड आउट इसलिए किया जाता है ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास जब होंगी आप उसको क्या करोगे, कलेक्ट करोगे और फिर उन सारी चीजों को रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, ताकि आप जा करके बाद में उसके ऊपर एक तरीके से रिसर्च कर सको, उसके बारे में पता लगा सको कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो आपको फेस करनी पड़ रही थी, या कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करनी पड़ रही है ऑलरेडी, है ना। डिफरेंट मार्केटिंग सिचुएशंस में कौन कौन से डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं, राइट। और किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट में सक्सेसफुल हो पाना उसके पीछे जो डिपेंडेंसी होती है वो सबसे ज्यादा मार्केट रिसर्च के ऊपर ही होती है। आपका मार्केट रिसर्च जितना अच्छा जितना बेहतरीन होगा, आपके प्रोडक्ट के फेल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये जो मार्केटिंग रिसर्च होता है इसका पूरा एक स्टेप्स होता है। यहाँ पे 3-4 स्टेप्स 5 स्टेप्स हैं टोटल, जो कि मैं एक एक करके बताऊंगा। तो ये 5 स्टेप फॉलो करने होते हैं टू मेक अ कंप्लीट एंड डिजायरेबल मार्केटिंग रिसर्च, है ना, रिसर्च प्लान अगर मैं बोलूं तो। ठीक है, सबसे पहला क्या है, डिफाइनिंग योर प्रॉब्लम। सबसे पहले आप ये बताओ कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। दूसरा है डिटरमाइनिंग द रिसर्च डिजाइन। दूसरा आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो रिसर्च डिजाइन है वो क्या होगा। फील्ड वर्क एंड डेटा कलेक्शन, फील्ड वर्क और डेटा कलेक्शन फिर आपको करना पड़ेगा। चौथे नंबर पे आपको फिर उस डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा, एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। पांचवें नंबर पे है रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। पांचवे नंबर पे आपको रिपोर्ट को प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा और उसको फिर एक तरीके से पहले तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयार करना होगा और फिर प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये 5 स्टेप्स हैं मार्केटिंग रिसर्च को पूरा करने के, राइट। नाउ अब आगे चलते हैं। सो आफ्टर आइडेंटिफाइंग द मार्केट सेगमेंट्स, मार्केटिंग मैनेजर्स इवैल्यूएट द अपॉर्चुनिटीज एंड ईदर सेलेक्ट वन और मोर सिग्निफिकेंट सेगमेंट्स फॉर लॉन्चिंग मार्केटिंग कैंपेन्स। ठीक है ना, तो जब वो लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस मार्केट सेगमेंट में उसको घुसना है, या किस मार्केटिंग मैनेजर जो मार्केटिंग मैनेजर होते हैं वो इवैल्यूएट करते हैं कि उनकी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं अगर वो उस मार्केट में घुसते हैं। तो ये सारी चीजें वो लोग पता करने के बाद जो है अपनी मार्केटिंग जो कैंपेन है उसको फिर वो लोग जो है लॉन्च करेंगे करते हैं। मार्केटर्स हैव टू डिसाइड विच सेगमेंट एंड हाउ मेनी सेगमेंट्स टू टारगेट। मार्केटर्स को ये भी डिसाइड करना होता है कि कौन से सेगमेंट को उसको टारगेट करना है और कितने सारे सेगमेंट्स को करना है। जैसे कि कोई सपोज कपड़े का बिजनेस कर रहा है, तो कपड़े का बिजनेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका 18-25 के जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए वो एप्लीकेबल होगा। 25-30, 40, 60 के जो बच्चे जो लोग होते हैं वो भी समटाइम्स उस कपड़े को पहन सकते हैं। तो आपका जो मार्केट सेगमेंट है वो क्या 18-25 के बच्चों के लिए है या उससे ज्यादा के लोगों के लिए, सेगमेंट आपको डिसाइड करना होता है। समटाइम्स ये सेगमेंट ज्यादा भी हो जाता है। वही बात यहाँ पे बोली गई है that marketers have to decide which segment and how many segments to target। ठीक है, target market refers to the segment which an organization select to serve। target market का मतलब होता है वो market
जिसको जो प्रोडक्ट है, जो कंपनी है सर्व करने के बारे में सोच रही है। ठीक है, या इवैल्यूएट ईच सेगमेंट ऑन फाइव फैक्टर्स। सेगमेंट साइज, वर्थलेस वर्दी वर्थवाइलनेस, सेगमेंट मेजरेबिलिटी, सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस, सेगमेंट एक्सेसिबिलिटी, कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज। सो दीज आर द फाइव यू नो फैक्टर्स जो कि डिपेंडेंट होता है मार्केट रिसर्च के ऊपर। नाउ मार्केटिंग मैनेजर्स फाइंड आउट द स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस अवेलेबल फॉर लॉन्चिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द सेलेक्टेड मार्केट सेगमेंट। अब इसके बाद मार्केटियर क्या करेगा, जो मार्केटिंग मैनेजर होगा वो क्या करेगा, वो स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस तलाशेगा कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ प्रोडक्ट मार्केट कवरेज दैट फर्म टेक्स फ्रॉम द फ्यूचर इन्फ्लुएंस द टारगेट स्ट्रेटेजी डिसीजंस एंड द प्रोडक्ट मार्केट कवरेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जिस तरह का प्रोडक्ट आप यू नो मार्केट के लिए लेकर के आ रहे हो वो ट्रेंडी एक प्रोडक्ट होना चाहिए, जिसको देख करके लोग मतलब बोले कि नहीं ये तो ट्रेंड में है, इसको मैंने खरीदना है। ठीक है, 1970s का कुछ आप अगर बेचोगे या कुछ ऐसा चीज बेचोगे जो कि एकदम फ्यूचर में यूज होने वाली है, लोगों को अभी यूज करना आता ही नहीं है, तो लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको एक स्ट्रेटेजी तैयार करके आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयार करना पड़ेगा, ताकि वो जो है अभी के आपके टास्क को पूरा कर पाए, फ्यूचर में भी अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो उससे वो काम चलाया जा सके, है ना। इस तरह की चीजें आपको यहाँ पे लानी होती है। प्रोडक्ट मार्केट जो है वो एक तरीके से इस बात से भी इन्फ्लुएंस होता है कि आपके पास कितनी सारी रिसोर्सेज बची हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्या कैपेबिलिटी है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो चीजें अवेलेबल नहीं है, उनकी कैपेबिलिटी ज्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली आपका रिसर्च जो है एक जगह पे आकर के रुक जाने वाला है। ठीक है ना, दीज प्रोडक्ट मार्केट कवरेज स्ट्रेटेजीज आर क्लासिफाइड एज फॉलो। ठीक है, किस तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग होती है, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग होती है, अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग होती है, ये सारी की सारी चीजें जो है इज यूज्ड बाय द कंपनीज हु रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड कॉम्पिटिशन इज इमेंस। ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनके लिए जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड है और जो एक तरीके से आप जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ही ज्यादा है। कंपनीज इन दिस केस सेलेक्ट देयर मार्केट बजट एंड कवर अ लार्ज नीच। इन एडिशन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मार्केटर्स मार्केटिंग मैनेजर डिसाइड टू टारगेट वेरियस मार्केट सेगमेंट्स विद डिफरेंट मार्केटिंग ऑफर्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ईच सेगमेंट। तो यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं वो एक तरीके से अपने मार्केट बजट को थोड़ा स्ट्रेच करती हैं और अपने नीच के ऊपर फोकस करती हैं। नीच का मतलब होता है किसी एक चीज के ऊपर फोकस करना। जैसे कि सपोज मैं जेंट्स की भी कपड़े बना रहा हूँ, लेडीज के भी कपड़े बना रहा हूँ, पर मुझे पता है कि जेंट्स के कपड़े मैं अच्छे से बना सकता हूँ और उसकी बिक्री भी ज्यादा है, तो मेरा फोकस सिर्फ जेंट्स के कपड़े पे ही होगा। ज्यादा काम करके फायदा नहीं है, सेलेक्टिव और स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि यहाँ पे दो तीन तरीके का इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में एंड ऑल। ये दो तीन चीजें जो मैंने आपको बताई, कॉन्सेंट्रेटेड, डिफरेंशिएटेड एंड अनडिफरेंशिएटेड, तो इस तरीके से मार्केटिंग जो है यहाँ पे की जाती है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं उनको डिसाइड करना होता है कि जिस मार्केट सेगमेंट को वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी एक्चुअल नीड क्या है, उसका डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर जो है आपको अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करना होता है। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप करो। मिलता है अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।